हाय फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा एमएस वर्ड में वाटर मार्क कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एमएस वर्ड को ओपन करना है, एंड ओपन करने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा, एंड उसके बाद हमें सबसे पहले इंसर्ट में आना है। इसे टैब बोलते हैं, ठीक है। तो हम इंसर्ट टैब में आए, एंड यहाँ से हम सेव सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे। कोई सा भी शेप ले सकते हो आप। तो मैं एक रेक्टेंगल वाला शेप लिया, एंड इसे ड्रा करना है। ओके, एंड इसे सेंटर में रखना है कुछ इस तरह से, एंड इस पर राइट क्लिक करना है, एंड फॉर्मेट शेप के ऑप्शन पे आना है। एंड इसके बाद हमें ये जो पिक्चर और टेक्सचर फिल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है, एंड उसके बाद इस फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से आप फोटो लोगो जो भी लगाना है अपने पेज के ऊपर, मतलब ट्रांसपेरेंसी वाला जो होता है ना वाटर मार्क, वो आप लगाना चाहते हो फोटो लोगो जो भी लगाना चाहते हो उसे आप यहाँ से इंसर्ट कर लेना, एंड फिल हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हो। तो इससे पूरा का पूरा इमेज दिख रहा है, मुझे ट्रांसपेरेंसी करना है पेज पे, तो ये ट्रांसपेरेंसी वाला ऑप्शन तो हमें बढ़ाना है, ठीक है। और इसे बढ़ा कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं मॉडल को हटाना, तो मॉडल हटा दीजिए, सिर्फ ऑफलाइन पे आना है। हमारे पेज से वाटर मार्क लग